Yo, Waza, tell him where you're from, man. Yeah, Majaside. Oh, kithe rakha maal ye ajasi labdi. Gabru di gaddi chokrasi labdi. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग जा रहे हैं यहाँ से नैनीताल। अभी हमें ऐसे ही घर आया था, आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, मैं दिल्ली से बरेली आया था। तो रैंडमली ऐसे प्लान बन गया कि चलो नैनीताल चलते हैं ऐसी सुबह चाय पीने के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं नैनीताल, अभी बज रहा है सुबह के 4 और कुछ सैंडविच वगैरह खाते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते अपने घर से। और राइट, सो हम लोग यहाँ पे अपना पूरा कपड़े वगैरह पहन के रेडी हो चुके हैं, जैकेट डाल लिया मैंने, और इसके साथ में एक ही हम अपना छोटा सा बैग लेके जा रहे हैं। इसमें हेलमेट बैग है और एक आध टी शर्ट वगैरह रख ली थी ऐसी, और उसके साथ में ये पड़ा हमारा यहाँ पे गोप्रो, और ये मैं कराया चार्जर लेके आया था, चार्जर ख़राब हो गया था इस वजह से। और बस अब हम लोग चल रहे हैं, और इस समय अपना टाइम हो चुका है हमारा 4:50 ऑलमोस्ट, और अब हम लोग अपना निकल रहे हैं यहाँ से सीधा नैनीताल के लिए। तो चलो आप लोगों को नीचे बाइक पर ही मिलूंगा मैं सीधा, लेट्स गो। ऑल राइट, हम लोग अभी अपने घर से निकल चुके हैं, और आप लोग लाइट देख सकते हो कितनी प्यारी थ्रो दे रही है, और रोशनी में तो कोई कमी ही नहीं है, इतनी मज़ा आता है इसे चलाने में। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि बरेली को नाथ नगरी भी कहते हैं, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ओम का साइन सारे पोल्स के ऊपर इन लोगों ने नियॉन लगाए हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं यार इस समय रात के समय चलते हुए। चलो गाइस, हम लोगों ने अपने टोल भी क्रॉस कर लिया है, और हम लोग अब आ चुके हैं अपने हाईवे के ऊपर, मेन हाईवे के ऊपर, और ज़्यादा नहीं इतना 150 किलोमीटर है कुल नैनीताल यहाँ से। ऐसे हम लोग का चाय पीने चले जाते हैं सैटरडे संडे को अपना, काफ़ी मज़ा आता है, एक थोड़ी सी राइड भी हो जाती है 100-150 किलोमीटर की, 300 किलोमीटर की राउंड में, तो काफ़ी ठीक रहता है। आप लाइट का थ्रो देखो, आप लोगों को कोई कमी नहीं लगेगी, पूरे हाईवे चमक रहा है इस समय, दूर दूर तक सब कुछ दिख रहा है, वाइट लाइट भी ऑन कर दी नाइट आई अपनी जो लगी है इसमें दोनों, काफ़ी मज़ा आ रहा है। ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मौसम ठंडा है। मेरे को एक तो नाइट राइड्स काफ़ी पसंद है, मेरे को दिन में ट्रैवल करना ना अच्छा नहीं लगता यार, बिल्कुल भी, बहुत गर्मी लगती है, ऊपर से दिमाग ख़राब और होता है, तो अपना ऐसा रहता है कि अंधेरे में चलाओ तो अपना बढ़िया है, किसी की कोई वो झिकचिक नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ये ट्रकों के साथ खेलना पड़ता है पूरी रात, यही होता है, ट्रकों को ओवरटेक कर रहे हैं, कभी ट्रक हमें ओवरटेक कर रहा है, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाता, फिलहाल हम ही ट्रकों के साथ खेलते रहते हैं, कभी ऐसा ट्रक तो कभी ऐसा ट्रैक्टर वाला ट्रक, यही है हम लोग रात भर ऐसे खेलते रहते हैं, बाइकर्स की लाइफ यही है अपनी, क्योंकि दिन में मज़ा ही नहीं आता यार जाने में। मैं अभी 300 किलोमीटर अपना घर आया हूँ, और मैं 5 घंटे सोया ऐसे थोड़ी देर दोस्तों से मिला, घूमा फिरा, उसके बाद मैं अपना रात को निकला नैनीताल, अभी सुबह सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग, उसके बाद हम लोग अपना घर आएंगे शाम तक, अपने ऐसे राउंड ट्रिप मार के घर आ जाएंगे, फिर उसके अगली सुबह मैं वापस दिल्ली निकल रहा हूँ। पीछे मैं अपनी मम्मी के साथ ऐसे निकल गया, मैंने कहा उनको थोड़ा घुमा के लाया जाए, तो उनका भी मन हो रहा था कि बाइक पर जाने का, तो मैंने कहा चलो बाइक पे ही चलते हैं, कार पे ऐसे जाने का मन नहीं था मेरा भी, मैंने कहा थोड़ा कंटेंट भी शूट कर ही लेंगे लगे हाँ। तो अभी अपने लोग यहाँ से बहेड़ी क्रॉस कर रहे हैं, और आप लोग सामने देखो यार क्या प्यारा व्यू आ रहा है इस समय, और पहली बार आज तो वैसे ही अपना संडे मॉर्निंग है यार, संडे राइड हो रही है एक तरीके से, ये मान लो आप लोग सीधा, और इसके बाद आता है सीधा उत्तराखंड शुरू हो जाता है हमारा इसके बाद, और अभी टाइम हो चुका है, अभी तो फिलहाल गाने चल रहे हैं, अगर इसको हटाया जाए ये देखो अभी टाइम हो रहा है हमारा 5:40, काफ़ी सही डिस्टेंस कवर कर लिया हम लोगों ने अभी। और मेरे को 3 साल हो गया था ये रोड देखते देखते, ये रोड बन नहीं पाई थी आज तक, और अब मैं आ रहा हूँ इतने टाइम के बाद, ये रोड बनी हुई मिल रही, बड़ा अच्छा सा लगा देख के, ये कभी उस साइड काम हो रहा है, कभी यहाँ हो रहा है, कभी दोनों ही खुदे पड़े हैं, कभी कोने से जा रहे हैं, काफ़ी ख़राब हालत रखी थी रोड की उस समय, अभी तो काफ़ी ठीक हो रखा है, बढ़िया है वही रोड, बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पे कम से कम। और अपने लोग आ चुके हैं उत्तराखंड में, वेलकम टू उत्तराखंड गाइस, वेलकम टू उत्तराखंड, ये भी अपना पहले दूसरा घर ही था, दिल्ली बन चुका है, जो शिफ्ट हो गए हम लोग, ट्रांसफ़र हो गए। अभी हम लोग अपना रुद्रपुर और हल्द्वानी के बीच में रास्ते पे हैं, और पीछे रिलायंस का पेट्रोल पंप देखा मैंने, अपना पेट्रोल पड़वाना था, वहीं से अपना पेट्रोल पड़वाएंगे, और रिलायंस इसलिए कि रिलायंस वन ऑफ द बेस्ट पेट्रोल देता है ऐसा मेरे को लगता है, मेरे को भाई जिस पे सेटिस्फेक्शन मिले वही वाला यूज़ करना चाहिए, कितने बता रहा हूँ मैं, 30 रुपये बचा रहा हूँ, बट कोई ना सही है यार कुछ तो बच रहा है। तो हम लोग यहाँ पे पेट्रोल एक बार फुल करवा रहे हैं, और देख लो 92.98 अपना पेट्रोल है रुद्रपुर का, तो ये दिल्ली के साथ तो काफ़ी सस्ता है, हमारी बाइक
और आप आगे देखो मच्छरों ने क्या हालत कर दी है पूरे वाइजर की। और ये तो कुछ भी नहीं है, ऊपर तक कर दो पूरा जितना आ जाए। बस 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 काफ़ी है। हाँ तो अभी अपनी बाइक में पेट्रोल आया 11 लीटर और 200 ml, एक 1041 का हमारा तेल इसमें आ गया, टंकी हो गई फुल। इवेंट करते चलते अपने दोनों हेलमेट्स। आप ये देखो क्या हालत हो गई, कितने मच्छर मार दिए। गिव्स यू विंग्स पे भी गिफ्ट पे भी चढ़ते ऊपर कैमरे की स्क्रीन के ऊपर तक मच्छर आ गए हैं। अभी साफ करते हैं एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। और ये रहा मेरा दूसरा वाला हेलमेट, ये मेरा पुराना हेलमेट था, मैंने इसे वापस पूरा पेंट कराया और मैंने स्टिकर AGV का लगा दिया। काफ़ी ज़्यादा फर्जी AGV, मतलब ये पिलियन के हिसाब से काफ़ी सही हेलमेट है। तो मैं चलते हैं, तो चलो चलते हैं अपना सीधे और वहाँ से चलेंगे अपने रुद्रपुर। और हम लोगों ने भी अपना रुद्रपुर वाला ये वाले हम टोल पे खड़े हैं, सामने देखो क्या प्यारा सनराइज हो रहा है वहाँ पे, वो आप लोगों को दिख रहा होगा उधर। और अपने लोग चलते हैं अब यहाँ से अपना आगे, उसके बाद मैं आप लोगों को अगर रुद्रपुर वाले जंगल दिखाता हूँ, वो बहुत ही बढ़िया एरिया है। और हम लोग अपने यहाँ पे बढ़िया गाने सुनते हुए जा रहे हैं मज़े से, और मौसम बहुत ही प्यारा सा हो रहा है। वो आप लोग सनराइज़ देखो क्या प्यारा सनराइज़ हो रहा है। हेलमेट बढ़िया है, ढीला ढाला है, बांधना नीचे से सही है। तो अपने लोगों को पहला पहाड़ मिल चुका है और ये हमारे रुद्रपुर का कूड़े का पहाड़। ये इन लोगों ने इस एरिया के पूरे रेड़ मार रखी है, पूरा खराब कर रखा है एरिया, यहाँ से निकलने का तक मन नहीं करता। यहाँ पे पता नहीं काम कैसे कर लेते हैं यार। और ये वाली रोड बहुत ही बढ़िया है, सीमेंटेड रोड है, बढ़िया है, बहुत अच्छी भगाने के लिए बाइक थोड़े बर्फ है। और हमने ये वाली रोड मेरे को काफ़ी पसंद है रुद्रपुर की, चाहे थोड़ी सी बर्फी है बट मज़ा आता है यहाँ पे बाइक चलाने में। और काफ़ी खुली रोड है, तो यहाँ पे एक आगे वो आती है फैक्ट्री, उसमें बिस्किट्स वगैरह बनते हैं, क्या खुशबू आती है उसकी, बहुत मज़ेदार वाली। अभी मैं यहाँ पे रुका था थोड़े से सिनेमैटिक्स रिकॉर्ड करने, सामने अपना सूरज, पूरा हाईवे और हमारा प्यार, हमारी बाइक और उनके पीछे हमारी माँ। और देख सकते हो क्या प्यारी लग रही है। मैंने सोचा थोड़े से सिनेमैटिक्स रिकॉर्ड कर लिए जाएँ क्योंकि यहाँ पर व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है, थोड़ा वीडियो के लिए रील वगैरह थोड़ा कॉन्टेंट बना लिया जाए ना। अपना फोटोशूट, सिनेमैटिक सब कुछ बढ़िया बनाने के बाद हम लोग अपना निकल चुके हैं नैनीताल के लिए आगे। आप लोग देख सकते हो क्या बढ़िया रोड बना रखी है इन लोगों ने, फूल लगा रखे हैं बढ़िया बढ़िया बीच में। और अर्ली मॉर्निंग विद द बाइक्स इज द बेस्ट मॉर्निंग, क्या व्यू है, पहाड़ 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 पहाड़ी पहाड़ पहाड़ी पहाड़ पहाड़ी पहाड़, जिंदगी पहाड़ है, पहाड़ में जिंदगी है। और यार पता नहीं क्यों यार ठंड लगनी शुरू हो गई, काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है मेरे को भी मम्मी को भी, वैसे होती नहीं है ये, हम यहाँ तो हिमालय पहाड़ों पर जा रहे हैं तो ठंड लग रही है, थोड़ी धूप निकले तो ठीक होगा यार। आप लोग व्यू देखो क्या बढ़िया, जंगलों के बीच में से हम लोग जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है। मैं अपनी मम्मी को अभी बाइक चलवा रहा हूँ ऐसे ही फंसे हुए, और यहाँ पे अपनी मम्मी को बाइक चलवा रहा हूँ। लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स को बाइक चलवाते हैं, मैं अपनी मम्मी को बाइक चलवा रहा हूँ। सही है, मैंने कहा मजे लो, ये भी मजे ले। तो अपने ने बाइक का कब्जा वापस ले लिया, इन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था चलाने में, ये मेरे को दे ही नहीं रही थी वापस, कह रही है मैं ही चलाऊंगी, मैंने कहा नहीं है बहुत हो गया मैं चलाऊंगा वापस, रबड़ गिर गया, कोई बात नहीं। अब धूप हो रही है, अब चलते हैं अपने यहाँ से, सामने हल्द्वानी है, हल्द्वानी के ऊपर नैनीताल है, दैट्स इट, लेट्स गो। लोग इस समय ऑलमोस्ट मेन हल्द्वानी के अंदर हैं और यहाँ से हम लोगों को लेना है अपना लेफ्ट, और आगे एक टर्न है वहाँ से अपने को लेफ्ट लेना है, उसके बाद अपने लोग चढ़ जाएंगे नैनीताल वाले ऊपर पहाड़ों पर।
मेरे सामने रिएक्शंस मिल रहा है, क्यूट गर्ल रिएक्शंस। तो इसी के साथ साथ हम लोग बस पहाड़ों को छूने ही वाले हैं ऐसा लग रहा है। और देखो सामने कितने पास आ गए, अब पूरा क्या प्यारा व्यू आ रहा है, सनराइज विद माउंटेन्स एंड अ बाइक। और आपने मस्त 60-70 जा रहे हैं, ये मेरे को जाने नहीं देगी रोड ऐसा लग रहा है। ठंड भी लग रही है, मजा भी आ रहा है। ओहो ओ पहाड़, अभी अगले हफ्ते फिर जा रहा हूँ मैं तो ऋषिकेश, ऋषिकेश मसूरी, पहले तो मसूरी जाएंगे उसके बाद अपन लोग ऋषिकेश जाएंगे वहां से। नज़ारे आप लोगों ने देखो, क्या बढ़िया नज़ारा मिल रहा है आप लोगों को, साथ में मेरी प्यारी सी बाइक। तो चलो चलते हैं अब, ये क्या लगा रहा हूँ। ये चाबी है, दूसरी घर की चाबी लगा रहा हूँ उसके अंदर, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। ऑलराइट, सो अभी आप लोगों ने शॉट देखा होगा, क्या प्यारा शॉट रिकॉर्ड हुआ है, या शायद नहीं भी देखा होगा, तो चलो कोई बात नहीं, अपने लोग अब चलते हैं आगे। और होप सो कि क्वालिटी आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा देखने में, और व्लॉग तो बढ़िया बनी रहा है। लेट्स ओवरटेक। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भीमताल, और ये लोग आप लोग देख सकते हो, ये हमारी भीमताल वाली लेक, और यहाँ से बस अपना नैनीताल बचा है 20 किलोमीटर, सीधा सीधा रास्ता अपना पहाड़ों का सीधा मतलब, और यहाँ से फिर हम लोग पहुंच जाएंगे अपने नैनीताल। अरे अरे सामने लड़ाई हो गई। गिर गया बंदा, लगी तो नहीं, पिट गया बंदा, पिट गया। स्कूटी पे था एंटर, बंदे ने एंटर पे टांग रखा है कि स्कूटी के, ये क्या सीन है। चलो बंदा टायर के नीचे आ गया था ऐसा वो बस वाला बोल रहा है, मतलब बच गया बट वो सो उसको लगी नहीं, और उस बंदे ने स्कूटी के शीशे के ऊपर अंडरवियर टांग रखा था, पता नहीं क्या शौक लेके आया था वो। तो अपने लोग बस नैनीताल पहुंचने वाले हैं, यहाँ से 6 किलोमीटर बचा, और आप लोग व्यू देख सकते हो क्या प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से, और ज़्यादा नहीं बचा अपना, थोड़ा सा ही बचा है यहाँ से रास्ता, और देख सो सामने आए लग नैनीताल वाले लोग, इस वजह से यहाँ पर भीड़ लगी है कि लोग दिल के बीच में जाके फ़ोटो खिंचाएंगे, दिल का क्या देर तो चीर जाता है। नीचे देखो कितना बढ़िया लग रहा है, ये देखो सामने आई लव नैनीताल का पूरा पहाड़ वाला वो बना हुआ है, आई लव पहाड़, आई लव नैनीताल, सामने देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो ऑलराइट, सो हम लोग पहुंच चुके हैं नैनीताल, गांधी जी अपना झंडा लेके खड़े हुए हैं,
और हम लोग पहुंच चुके हैं, ये रही हमारी नैनीताल लेक। देखो गाइस कितनी प्यारी लगती है। सो हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी नैनीताल लेक और मेन नैनीताल के मॉल रोड के ऊपर, और अपने लोग यहाँ से जाएंगे सीधा पार्किंग में। तो आप लोग देख सकते हो यार ये कितनी प्यारी लेक है, और मेरे गोप्रो बार बार बंद हो रहा है क्योंकि इसकी बैटरी डाउन हो चुकी है। हम लोग अपना नैनीताल पहुंच चुके हैं, यहाँ पे मैंने अपनी बाइक लगा दी है, और यह मैं अपनी बाइक यहाँ पे लगाता हूँ। 10 लीटर बेक रही है इसके सामने, काफ़ी ठीक रहती है। और इसके साथ में और अभी हालत ख़राब हो चुकी है, काफ़ी देर हो गई, यानी 1 घंटे लग गए बहुत आराम से इधर रुक रुक के। एक हेलमेट मैंने अपना इसी पे लगा दिया है, बाइक पर अपना सीट के नीचे लॉक करके फिट कर दिया, क्योंकि इस हेलमेट के लिए मेरे को इतनी कदर है नहीं, सेकेंडरी हेलमेट है ये, अगर ये कहीं चला गया तो इसकी तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। और मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे गोप्रो की बैटरी बहुत जल्दी जल्दी डाउन हो रही है यार, तीनों बैटरी मेरी डाउन हो गई पर रिकॉर्ड इतना हुआ नहीं। देखते हैं, समझता हूँ घर जाके क्या सीन है इसका, हो सकता है कोई सेटिंग की दिक्कत हो या जाके ही पता चलेगा अभी। तो चलते हैं, अब मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ लेक के पास चल के। तो पहले तो अपना हेलमेट पैक करते हैं, बैग में डालते हैं, फिर चलते हैं। ऑलराइट, सो हम लोग अपना मेन नैनीताल में पहुँच चुके हैं। वहाँ पे है अपना नैनीताल का चर्च, वहाँ पे है मस्जिद, यहाँ पे है गुरुद्वारा, उसके पीछे है मंदिर। मेन ये हमारी नैनीताल की स्पेशलिटी है। और बालों की काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं, बालों की मरी पड़ी है। और ये रही हमारे सामने नैनीताल की लेक, कितनी प्यारी है, नहीं चाहिए भैया। और हम लोग बस अपना आए हैं ऐसे अप डाउन करने, और अप डाउन करके अपन लोग निकल जाएंगे। शाम भी थोड़ी देर में 4-5 घंटे रुकेंगे, शाम को निकल जाएंगे रात तक घर पर, और 2-3 घंटे सो के फिर मैं वापस दिल्ली, फिर मैं शाम को फिर ऑफिस। मजाक में 1000 किलोमीटर ऐसे हो जाते हैं। और ये देखो क्या प्यारा सीन है, यहाँ पे पूरी बोटिंग वगैरह चल रही है सबकी। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया लगता है, ऐसे पूरा वी शेप में आता है, और ये पूरा बोट यार्ड यहाँ पे हमारा, और ये बीच में खुल गया है, पहले बीच में बंद रखा था, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, पूरा खुल गया वापस। और ये रहा हमारा यहाँ पे नैनीताल का गुरुद्वारा, पहले यहाँ पे वो रूम्स होते थे वो उन लोगों ने बंद कर रखे हैं, और आप लोग देख सकते हैं सारी बूटियाँ मार्केट, ये टिबेटन मार्केट, इसे बूटिया मार्केट बोला जाता है, ये भी काफ़ी बढ़िया मार्केट है। ये पूरी मार्केट 90% आपको लड़कियों के लिए दिखेगी, आप हर शॉप देख लो, लड़कियों की हर एक चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे। लड़कों की आपको मान लो 20 में से एक शॉप दिख गई तो दिख गई, ऐसा वाला सीन है। बाकी अपने खिलौनों की शॉप हो गई, अब मैं चल रहे हैं आगे, थोड़ी एक्सेसरीज और टॉयज वगैरह की शॉप है। नैनीताल के टॉप फेमस सोनम गुप्ता बेवफा है के मोमोस, ये सामने वेज वाला एरिया है, अपने सामने मटन मोमोस। एक मिनट पेमेंट कर दूँ सर, लेके और 100 रुपये के 10 पीस आते हैं मटन मोमोस, बहुत ही बढ़िया बनाते हैं, मज़ा आ जाता है खा के।